अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में से क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में भी क्लासिफिकेशन का, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्लासिफिकेशन बेसिकली होती है प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू क्लासेस एंड कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये प्रोसेस होता है कि हम डिफरेंट तरीके, डिफरेंट टाइप का डाटा एक साथ, जो डिफरेंट कैटेगरीज का हो, डिफरेंट क्लासेस का हो, एक कॉमन करेक्टरिस्टिक उसकी चूज़ कर लें और उसके लिहाज से उसको स्टोर करें। उसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि सपोज़ हमने मैट्रिक के स्टूडेंट्स के मार्क्स पता करने हैं, हमारे पास 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मगर अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें, सपोज़ हमने 350 वालों के मार्क्स निकालने हैं, तो हम 500 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से हम लोगों ने जिनके मार्क्स 350 हैं, 350 से लेके या 400 तक की रेंज में हैं, उनके मार्क्स निकालने हैं। वो हम कैसे पता करेंगे? अब हम 500 स्टूडेंट्स का डाटा अलग अलग तो नहीं चेक कर सकते ना, कि कैसे 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 हर स्टूडेंट का डाटा चेक करें कि 350 से लेके 400 की रेंज में किस किस के मार्क्स हैं। तो फिर हम इस तरह से रेंजेस बना लेंगे सारे मार्क्स की, जिसमें हम हर स्टूडेंट को उसके मार्क्स के मुताबिक उस रेंज में डाल देंगे, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। हम इस तरह से करेंगे कि 350 से लेके 400 वाले स्टूडेंट्स की रेंज बना लेंगे, 400 से लेके 450 वाले स्टूडेंट्स की रेंज बना लेंगे, 450 से लेके 500 वालों की रेंज बना लेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स की कैटेगरीज बन जाएंगी और उन कैटेगरीज की बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को उनके उनके मैचिंग ग्रुप्स और क्लासेस में डाल देंगे, क्लासेस एंड कैटेगरीज में उसके मुताबिक उनको डाल देंगे। इससे हमारे लिए डाटा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक देखिए, ये आपकी बुक में भी है सारा, बहुत इजी है, वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी, बेसिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिस बेसिकली क्या मतलब, कि किस बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। हम कोई भी चीज़ विदाउट बेस नहीं कर सकते, नहीं स्टार्ट कर सकते, उसके बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक्स उसके नॉर्म्स होते हैं, तो उनकी बेसिस पर हम लोग डिफरेंट चीज़ कैटेगराइज करते होते हैं। इसी तरह क्लासिफिकेशन की भी चार बेसिस होती हैं। पहली होती है क्वालिटेटिव, दूसरी क्वांटिटेटिव, चौथी तीसरी ज्योग्राफिकल चौथी क्रोनोलॉजिकल। अब हम इनको डिफाइन करेंगे। इनकी बड़ी इजी डेफिनेशंस हमारी बुक में भी गिवन है, बट मैं आपकी इजीनेस के लिए यहाँ भी समझा रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या होती हैं। इसमें क्वालिटेटिव में हम लोग व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट्स,
मतलब हम एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे डाटा को क्लासिफाई करते हैं. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल रिलीजन, मार्शल स्टेटस, आपकी मतलब ये होते हैं क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव क्या होते हैं? कि हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं क्वांटिटी के मुताबिक, कि आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है. क्वालिटेटिव ये चीज़ें क्वांटिटेटिव होती है ना, क्वांटिटी होती है इनमें. तीसरा है ज्योग्राफिकल, के हम ज्योग्राफिकल का मतलब बेसिकली आपको ज्योग्राफी का पता होगा आपके रीजन्स और लोकेशंस वगैरह को ही कहते हैं. ज्योग्राफिकल होते हैं हम पॉपुलेशन के मुताबिक अपनी क्या नाम है बेस रखते होते हैं, कंट्री की पॉपुलेशन के मुताबिक, प्रोविंस के मुताबिक, डिवीजन के मुताबिक, इसके मुताबिक हम लोग क्लासिफिकेशन करते होते हैं. सपोज जैसे सिंध है, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट डिवीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके मुताबिक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दी पूरी कंट्री को. डिवीजन्स डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स और प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया. क्रोनोलॉजिकल होती हैं व्हेन डाटा आर अरेंज बाय देयर टाइम ऑफ अकरेंस, मतलब टाइम सीरीज के लिहाज से जब हम क्लासिफिकेशन करें. ये आपकी चार बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की. इनको गौर से बुक में पढ़ लीजिएगा, इनकी डेफिनेशन भी बहुत इजी गिवन है. नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड हो जाती हैं वन वे, टू वे क्लासिफिकेशन, थ्री वे क्लासिफिकेशन और मैनी वे क्लासिफिकेशन. ये आपकी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है. इनकी बेसिक्स जस्ट आपको रीड करनी है बुक में से, जस्ट इजी डेफिनेशंस. नेक्स्ट हमारे पास है टेबुलेशन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेबुलेशन. टेबुलेशन का वर्ड निकला है टेबल से. टेबुलेशन का मतलब होता है अ टेबल. पहले मैं टेबल बताती हूँ. अ टेबल इज अ सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा into vertical columns and horizontal rows columns. The process of arranging data into rows and column is called tabulation. ये हमारे पास table की definition थी. और टेबुलेशन हमारे पास क्या है? द प्रोसेस, वो तरीका जिसमें हम डेटा टेबल में इंसर्ट करते हैं उसके कॉलम्स और रोज में, उसको टेबुलेशन कहते हैं. मतलब डेटा को इंसर्ट करना टेबल में, उसको टेबुलेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा into rows
एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टैबुलेशन। टैबुलेशन की भी हमारे पास आगे टाइप्स होती हैं। पहली है सिंपल टैबुलेशन, यहाँ तक देख लें। टैबुलेशन की टाइप्स होती हैं हमारे पास। पहली होती है सिंपल टैबुलेशन, ये जस्ट बेसिक्स हैं, इनके नाम ज़रूरी हैं, इनकी डेफिनेशन बुक में हैं। दूसरी है डबल टैबुलेशन, टैबुलेशन तीसरी है कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन। ये हमारे पास टाइप्स हैं जिनकी डेफिनेशंस आपके पास बुक में गिवन है। बेसिकली इनके नाम ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आप लोग बुक से देख लीजिएगा। बाकी जो मेजर मेजर टॉपिक में था वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। दी एंड। बाकी जो आपका आज का काम है असाइनमेंट का, वो ये है कि आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इन टॉपिक के, वो आपने बैक एक्सरसाइज से करने हैं, देखने हैं, सॉल्व करने हैं और उनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करने हैं, ताकि आपकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू।